अभी मैं हूँ MJ Holidays का जो छत है ना उसके ऊपर, और यहाँ से व्यू काफ़ी बढ़िया है। चारों तरफ ना एकदम फॉगी फॉगी हो रखा है। और ये जो आप लोग ये पहाड़ देख रहे हो, दरअसल ये है बैतलिंग शिप त्रिपुरा का सबसे हाईएस्ट पीक। तो अभी जाना है इसके ऊपर, तो चलिए चलते हैं पहले इसके ऊपर एक्सप्लोर करके फिर आते हैं MJ Holidays पे। चलो तो अभी हम लोग जा रहे हैं बैतलिंग शिप टॉप पे, और इतना स्टीप चढ़ाई है ना कि क्या बताऊँ। तो यहाँ पर जो भी व्हीकल ऊपर जाता है उसका नंबर सर लोग रखते हैं, क्योंकि अगर कुछ हादसा वगैरह हो जाए या फिर सर यूट्यूब पे आएगा। सो वी आर ऑन द वे टू बैतलिंग शिप व्हिच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ त्रिपुरा। तो ये जम्पुई का सबसे ऊंचा पहाड़ है, पहाड़ मतलब पीक है, जहाँ से सभी माउंटेन्स का अलग अलग रीजन दिखता है त्रिपुरा का। तो अभी चल रहे हैं ऊपर धीरे धीरे, और बहुत ज़्यादा एक्साइट हूँ क्योंकि पहली बार जो है हम लोग जा रहे हैं बैतलिंग शिप। भाई ये ठीक होना, वहाँ पर हम लोगों ने बाइक पार्क कर दिया और अभी धीरे धीरे चलना है ऊपर। तो ये है सबसे ऊंचा पहाड़ त्रिपुरा का, और ये है इसका वॉच टावर। अभी इसके ऊपर चलते हैं। ये देखो बैतलिंग शिप से व्यू। तो बैतलिंग शिप से ये व्यू मिलता है, और अंदर कुछ ऐसा है वॉच टावर के अंदर टूटा हुआ है। तो भाई एक टाइम लैप्स के लिए कैमरा को सेट कर रहा है, टाइम लैप्स लेना ही मेरा काम है। और टाइम लैप्स लेते ही ना यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ देरी नहीं करना है। तो जम्पुई में आके ना एक अंकल से मुलाकात हुआ, और अंकल हमें ले जा रहे हैं अभी ऑरेंज गार्डन में। ये है ऑरेंज ट्रीज छोटा मोटा, आप लोग ये जो ट्रीज देख रहे हो ये वाला यहाँ पर भी है, बहुत सारा है, पूरा ऑरेंज गार्डन है। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर ताकि और अच्छे से और पास से देख सकूं। ऑरेंज बहुत सारा पेड़ है यहाँ पर, कितना ऑरेंज इस ट्री में है। ऐसे आप लोग तो नहीं दिखोगे क्योंकि कैमरा सब कुछ जस्टिफाई नहीं करता। ये देखो ऑरेंज बहुत सारा है इस पेड़ में, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर कुछ ऑरेंज ना गिर के ख़राब हो चुका है। तो ये जो बगान है ना, ये बगान का ओनर है, तो अंकल से जाके एक बार बात करते हैं। तो अंकल अभी ऑरेंज तोड़ रहे हैं पेड़ से, जो पका हुआ है उसको तोड़ रहे बस। थैंक यू अंकल। तो ये है असली ऑरेंज, मतलब पेड़ से अभी अभी इसको तोड़ा गया है, तो अभी इसको टेस्ट करेंगे कि कैसा है। और ये एकदम जेन्युइन है, इसमें कोई मिलावटी नहीं है। तो बगान से तोड़ा हुआ ये बिल्कुल फ्रेश ऑरेंज है, अभी अभी अंकल ने हमको तोड़ के दिया है। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। थैंक यू। थैंक यू। अभी इसको टेस्ट करेंगे। ये कितने का है? एक चार कितने का आता है? मतलब मेरे को और एक दिखा जो कि है इस पेड़ पे, ये पका हुआ है, ये पका हुआ है, शायद ये यहाँ पर अटका हुआ होगा। तो मैं इसे लेता हूँ एक बार। ये देखो यहाँ पर एक और है फोकस। तो मेरे पास अभी दो है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खुमपुई की तरफ, जो कि त्रिपुरा का एक और विलेज है, बहुत सुंदर है। ओए ओए
तो एक बात मैं बताना चाहूँगा, अभी हम लोग प्रॉपर मतलब ये प्रॉपर मिजोरम है। अभी हम लोग जहाँ पर बाइक को पार्क किया है, त्रिपुरा यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पीछे होगा, कुम्पोई गाँव के बहुत आगे आ चुके हैं अभी हम लोग। तो मिजोरम में आते ही ना व्यू कुछ इस प्रकार है, बहुत ही अच्छा व्यू है, बस क्लाउड के लिए दिखाई नहीं दे रहा है सब कुछ। वाव, तो दूर एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर एक टावर भी है, वहां से ना एक बढ़िया व्यू आता अगर वेदर क्लियर होता। तो चलिए, जिसके लिए आए थे अभी लौट रहे हैं, क्योंकि रास्ते में 2-3 बंदे मिले थे हम लोगों को, धमका रहा था हम लोगों को, बाइक रोकने का कोशिश कर रहा था, पता नहीं क्या इरादा था उन लोगों का। अभी जा रहे हैं फिर से उसी साइड से, तो पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। अगर टीएसआर सर वगैरह मिलता है तो उनसे एक बार ज़रूर बात करेंगे कि क्यों वो लोग ऐसा कर रहे हैं, ताकि हमें कुछ परेशानी ना हो जाते समय। तो चलो भाई, तो अभी हम लोग जब इसी रास्ते से आ रहे थे ना, कुछ लोग ना लोग मतलब कुछ लड़के धमका रहा था, पीछे पीछे भाग रहा था हमारे बाइक के पीछे, उनका भी बाइक था, पता नहीं वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, कुछ आइडिया वगैरह नहीं है मेरा। तो फिर से चल रहा हूँ क्योंकि ये जगह मुझे अभी सेफ नहीं लग रहा है, और अगर वो लोग फिर से मिल गए ना भाई, प्रॉब्लम हो सकता है। यह है मिजोरम का, डर बहुत ज़्यादा लगता है भाई, लोग कैसे कैसे घूरते रहते हैं यहाँ पर। तो अगर आप लोग यहाँ पर आते हो ना, अपना सेफ्टी लेके आना। आ जाओ, देख गोद में ले लिया तुझे। तो ये भैया के पप्पी थे जो मुझे यहाँ पर मिले। ये देखो कितना सुंदर है, मुझे तो बहुत सुंदर लगता है पप्पीस। जाओ जाओ, खेलो खेलो जाओ। यू छोटो, ये छोटो, चलो भाई। अरे काटना मत, काटना मत। किधर का? আর না সতা নেই বেতাল আছে এদিকে, মানুষটি দেখছো নি কেমন জানি কি, এদিকে দাঁড়ায় থাকতো কইছে। হ্যাঁ সেফ সেফ, এ জায়গা না বিলকুল সেফ নেই লাগ রা হ্যায়, পহলে সেই বতা রা থা। তার লোক কোনো কথা কইও না, ঠিক আছে? तो अभी हम लोग फिर से आके पहुँचे फुलडुंगशी में, और यहाँ के बच्चे ना बहुत ही शरारती है। आ जाओ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, बाइक बाइक चलाओगे? ये देखो कितना खुश हो गया, बाइक चलाओगे? बाइक इसे 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 हम लेके घर जा रहे हैं। ये नहीं देगा भाई, इसको लेने से ही ना गुस्सा हो गया। अच्छा चलो चलो, टाटा टाटा टाटा। तो कुछ खाना पीना करके ना बिल्कुल हम लोग सीधा होटल रूम पे पहुंच जाएंगे। होटल रूम तो नहीं कहूँगा, हम लोग आज कैंपिंग करने वाले। कैसा लगा आप लोगों को आज का ये छोटा सा ब्लॉग? हम लोग अगर चाहते तो यहाँ पर नीचे रूम है, हम वहाँ पर भी रह सकते थे। तो यहाँ पर 3 days 2 nights का प्लान था, आज जाके 2 nights कंप्लीट हो रहा है, और कल सुबह को हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से, घर के लिए रवाना होने वाले हैं। भाई के साथ एक बार इंट्रोड्यूस करा देते, भाई इधर आओ। जरूर। तो दोनों भाई मिलके ब्लॉग बनाया, लोग तो चंपू आते हैं लेकिन पूरा होल चंपू कोई कवर नहीं करता। हम दोनों भाई ने मिलके जितना पॉसिबल हुआ ना हम लोगों से
उतना हम लोगों ने कवर किया। जो जम्पुई फेमस है ऑरेंज फेस्टिवल और ऑरेंज के लिए, वो नहीं देखते लोग। तो हम लोगों ने ऑरेंज फेस्टिवल तो नहीं देखा, ऑरेंज गार्डन में जाके ऑरेंज खाया, जो लोकल लोग हैं उनसे मिला और सब कुछ, मतलब जितना पॉसिबल हुआ उतना हम लोगों ने एक्सप्लोर किया जम्पुई को प्रॉपर तरीके से। और कुछ लोकल फूड्स भी हमने ट्राई किया। हाँ, वो भी बहुत अच्छे थे ना। हाँ, बहुत ही अच्छा, उतना अच्छा नहीं था बट टेस्ट बहुत ही ओके था। बहुत ही अच्छा था। वर्चुअल ट्रेवल्स मेरा चैनल है, शुभम भैया का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। तो चलिए आप ये टाइम लैप्स देखो, तब तक हम टेंट को लगा देते हैं। और टेंट लाओ। हाँ, ये रहा टेंट, अभी इसको सेट करेंगे और इसके अंदर सोएंगे, ठीक है। तो चलो टाइम लैप्स देखो अभी। So all set. Now this camp is totally ready. So अब मैं आपको दिखाता हूँ टेंट का अंदर का नज़ारा। तो ये है टेंट का इंटीरियर, कल तो दिखा नहीं पाया, आज दिखा देता हूँ। ये ऊपर का साइड, तो ये जो हुक है, अगर आप किसी चीज़ को इस पे टांगना चाहते हो तो टांग सकोगे। और क्या बताऊँ, बाकी सब तो बढ़िया है। तो चलिए आज का ये ब्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म हो रहा है। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, अगर पसंद नहीं भी आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। चलिए टाटा, मिलते हैं सुबह अगले ब्लॉग में। कल मैं जा रहा हूँ अपने घर पे, तो चलिए बाय, टाटा, गुड नाइट।